एहतजाज कर रहे हैं। हमने इस एहतजाज के हवाले से सरकार को पहले ही बाखबर किया था कि वो हमारे मसाइल हल करे, हमारे मुतालबात हल करे, जिसमें सबसे पहला हमारे 4 महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी है उसको वागुजार करे। हमने पैसे कमाए हैं, 65 करोड़ रुपया सरकार के पास हमारा है, हमारे मेहनत की कमाई है, नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह से हमारे 4 महीने की तनख्वाह रुक गई है, 7वां पे कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज की, और कोविड में हम एज एन एसेंशियल सर्विसेज काम किया है, 24 घंटे काम किया है, तनख्वाह नहीं है। तो मजबूरन हमें आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा और हम 10 तारीख को पेन डाउन कर रहे हैं, 12 तारीख को हम टूल डाउन कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, कोई मसला हल नहीं किया, तो हम अपनी इस जदोजहद को इंटेंसीफाई करेंगे, इसको और बढ़ावा देंगे। उसमें हड़ताल भी शामिल है, मुकम्मल हड़ताल, उसमें सड़कों पर मार्च करना भी शामिल है, उसमें भूख हड़ताल भी शामिल है, उसमें धरना देना भी शामिल है, और गवर्नर हाउस जाना भी शामिल है। हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे, उनके बच्चे हैं हम, वो हमारे साथ फैसला करें। अगर उनके पास नहीं है हमें खाने को देने के लिए, तो वो इस महकमे को बंद करें और हमारा हिसाब करें। अगर चलाना है तो फिर हमारी तनख्वाह चाहिए हर महीने पहली तारीख।